हेलो हेलो। हाँ दो नीचे चले गए, एक लेके आ रहा हूँ। और उसके बाद तो पूरा एकदम फोल्डर से भरा हुआ मतलब रास्ता थे, और उसके बाद बहुत चढ़ाई था तो पूरा मतलब टायर्ड हो गए थे इतना, मेरा तो पूरा शरीर दर्द कर रहा था। और पर ऊपर से व्यू जो था ना वो देख के मन भर गया, इतना 360 डिग्री इतना अच्छा सा हिमालय का व्यू है, बहुत सारे पीक वहाँ से दिखता है, तो वो देख के लगा था कि हाँ आने का हाँ एकदम सक्सेसफुल है आने का। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज रिया मावी और मैं आ गई हूँ एक नई ट्रिप पे। और इस बार हम लोग सबमिट करने वाले हैं, 5 दिन का सबमिट है और ये है पांगरचूला पीक। और मैं नर्वस हो रही हूँ और मैं एक्साइटेड भी हो रही हूँ। नर्वस मैं इसलिए हो रही हूँ कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे तो जो पांगरचूला पीक की जो हाइट है वो 15,000 feet है अराउंड, तो ऑक्सीजन लेवल उतना कम होता जाएगा। और आफ्टर कोविड दिस इज माई फर्स्ट टाइम जब मैं किसी ट्रैक पर आई हूँ, और बाकी तो मेरे को लेफ्ट नी में थोड़ी प्रॉब्लम भी है, तो मैंने खुद को चैलेंज दिया है कि मुझे ये करना ही है। बाकी मैं अपना 100% देने वाली हूँ और देखती हूँ मैं कहाँ तक पहुँच पाऊँगी। बाकी लेट्स सी गाइस, ये चैलेंज मेरा पूरा हो पाता है या नहीं, इतने हाइट पे इतना लंबा ट्रैक मैं कर पाऊँगी या नहीं, लेट्स सी। तो गाइस वी आर इन धाक विलेज राइट नाउ, जहाँ से हमारा ट्रैक शुरू होने वाला है। और यहाँ का व्यू भी काफ़ी अच्छा है और यहाँ पे सभी ट्रैवलर्स हैं, काफ़ी सारे ग्रुप्स आए हुए हैं यहाँ पे ट्रैकिंग के लिए और मैं अपने ग्रुप में एक अकेली लड़की हूँ। स्टार्टिंग में तो इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हुई थी कि एक सेकंड के लिए मुझे लगा मैं वापस जा रही हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा, बट अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। स्टार्टिंग में थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, अब व्यू को देखते हुए जा रही हूँ, बीच में छोटे छोटे गांव आ रहे हैं, अच्छा लग रहा है। और बाकी मेरा फ्रेंड है मेरे साथ वसीम, जो मुझे खींच खींच के लेके जा रहा है। अभी एक ग्रुप गया था नीचे तो उन्होंने हमें बताया कि उनके ग्रुप में से 15 में से सिर्फ 3 लोग सबमिट कर पाए, बाकी लोग फर्स्ट बेस कैम्प या सेकेंड बेस कैम्प पर रुक गए थे। तो मैं और वसीम एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे थे कि नहीं वसीम, हम दोनों को करना है, हम दोनों को करना है। सो अभी हमारा गाइड हमें बुला रहा है, बाय गाइस। हे गाइस, हम लोगों का फर्स्ट डे का ट्रैक खत्म हो चुका है और हम लोग कैंप पहुँच गए और हमने लंच भी कर लिया है। सोच रहे हो इतनी जल्दी 3 घंटे में हमने फर्स्ट डे की ट्रैकिंग ख़त्म कर दी है। कल हम लोग पहुँचेंगे खुलारा और उसके बाद सबमिट डे है।
मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मुझे लग रहा था कि अभी बहुत दूर जाना है, बहुत दूर जाना है, शाम तक ट्रैक करना पड़ेगा। मैं इसलिए अपनी एनर्जी बचाते बचाते धीरे धीरे आ रही थी, सबसे पीछे मैं ही थी। कैंप पे पहुंच गए, लाइक हो गया लंच टाइम तक हम कैंप पहुंच गए, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। बट यहाँ से जो व्यू है वो इतना सुंदर है, जरा कैमरा घुमा के दिखाओ। गुड मॉर्निंग, इट्स आर डे टू और आज हम लोग जा रहे हैं गुलिंग टॉप से खुलारा की तरफ। आज रात का कैंप हमारा खुलारा में लगेगा और लंच भी खुलारा में ही होगा। तो अभी हमारा गाइड पीछे से चिल्ला रहा, चलो चलो चलो, टाइम हो चुका है, अभी बज रहे हैं 9, पीछे से आवाज़ भी आ रही होगी। हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया है, कल रात बहुत ठंडी थी यार, मैं ढंग से सो नहीं पाई, तो अभी हम लोग बहुत लेट हो रहे हैं। सो गाइज बाय, सी यू देयर। सो गाइज हम लोग शूट करते करते सबसे पीछे हैं और एक गाइड हमारा पीछे है और एक गाइड हमारा सबसे आगे है। बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है, मेरा दिल बाहर आ जाएगा, इतना जिम जाने का, इतना हेल्दी खाने का, लग नहीं रहा कुछ फ़ायदा हुआ, और ज़्यादा करना चाहिए था। बाकी तो आज का जो हमारा ट्रैक है गाइस, वो पूरा जंगलों में से होते हुए है और मैं ढंग से बोल भी नहीं पा रही हूँ, इतनी ज़्यादा मेरी सांस फूल रही है क्योंकि हम लोग ऊपर चढ़ते जा रहे हैं और ऑक्सीजन लेवल कम होते जा रहा है। Let's go. So guys, we are almost there. तकरीबन 1 किलोमीटर बचा से थोड़ा कम और जो सामने का व्यू है, जो पीक्स है, बहुत ज़्यादा mesmerizing है। दिल खुश हो गया ये देख के और अभी तो हम ऊपर खुलारा पहुँचेंगे तो और अच्छा व्यू होने वाला है। आई डिड इट, डे टू आई डिड इट, मिशन कम्प्लीट ऑलमोस्ट। Hey guys, good morning. It's our day 3 और आज हम खुलारा से जा रहे हैं पांगरचूला सबमिट के लिए और रात के 1:15 बज रहे हैं। ज़रा टाइम दिखाओ। हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया और 15 मिनट में हम यहाँ से निकल रहे हैं। इतनी जल्दी निकलने का रीज़न ये है, जैसे ही सन ऊपर आने लगता है तो जो आइस है ऊपर वो मेल्ट होने लगती है और वो बहुत रिस्की हो जाता है, तो हमें सबमिट 8 बजे तक कर लेना है और उसके 9 बजे से पहले नीचे उतर जाना है। तो ये रीज़न है रात को 1 बजे निकलने का। बहुत ठंडी हो रही है, मैं तो फुल पैक हूँ। ये देखो मेरा हेडलाइट पहली बार यूज़ हुआ है 1 साल में खरीदे हुए। सो गाइस सी यू देयर। करीबन 1.5 किलोमीटर हम लोग ट्रैक कर चुके हैं और पीछे 2-3 लोगों की तबीयत ख़राब हो गई है, हमारे ग्रुप में से नहीं क्योंकि और भी ग्रुप्स हैं जो ट्रैक कर रहे हैं। जब हम लोगों ने स्टार्ट किया तो तकरीबन 50 लोग होंगे ट्रैक करने वाले और अब धीरे धीरे लाइट्स कम होती जा रही हैं। हमारी टीम के तो आधे लोग आगे हैं और आधे पीछे और हम बीच में हैं। ऑक्सीजन लेवल कम होता जा रहा है, आई कैन फील इट। सुबह 1 बजे स्टार्ट किया था और 7 बजे हम लोगों ने ये समिट ख़त्म किया। हमारे ग्रुप में 10 लोग थे जिसमें इकलौती एक फीमेल मेंबर मैं थी और इस फीमेल मेंबर ने सबसे पहले अपने ग्रुप में ये सबमिट किया है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू रिया और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। मुझे
लग नहीं रहा था स्टार्टिंग में कि मैं ये कर पाऊंगी। बीच में मुझे बहुत ज़्यादा बैक पेन स्टार्ट हो गया था और सर दर्द हो गया था हाइट की वजह से, बट आई वॉज ट्राइंग सो हार्ड कि मुझे ये करना ही है। क्योंकि ये ट्रैक आने से पहले मैंने अपने आप को ये चैलेंज किया था कि लेट्स सी कि मैं ये कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, तो मेरे दिमाग में यही था यू हैव टू डू दिस एंड आई डिड इट। आई एम सो प्राउड ऑफ यू रिया। जब हम लोग आए थे तो काफ़ी अंधेरा था, तो मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया है, बट अब मैं जाते हुए रिकॉर्ड करूंगी। और एक और बात, अभी हम लोग जा रहे हैं कुवारी पास। यस, एक तीर से दो निशाने, सेकंड एक ट्रैक में दो सबमिट। तो अभी देखो कैसे कैसे रास्ते से हम आए आज सुबह, पर बिल्कुल अंधेरा था, हेडलाइट लगा के आए हैं। अब जाते हुए दिखाती हूँ कि कितना स्ट्रगल किया, बीच में गिव अप करने का कितना मन हो रहा था, बट लेट्स गो। कुवारी पास कैंसिल हो चुका है पूरे ग्रुप का, क्योंकि हम लोग ढंग से सो ही नहीं है और सबके सर में दर्द हो रहा है बिकॉज ऑफ हाई ऑल्टीट्यूड। सब ने ये डिसाइड किया है कि हम कुवारी पास नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों में बिल्कुल एनर्जी बची ही नहीं है, और अभी हमें कैंप में पहुंचने में भी काफ़ी टाइम लगेगा और हम लोग ढंग से सोए नहीं हैं। मेरा बिल्कुल मन नहीं है अभी कहीं जाने का, मैं भी चाहती हूँ कैंप जाएं और सो जाऊं। मैं जब से ये ट्रिप स्टार्ट हुआ है मैं ढंग से सो ही नहीं हूँ। करते एक घंटा और बचा है और अभी कैंप पहुंचने में एक घंटा लग जाएगा। और मैं ज़्यादा ब्लॉग इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज हवा चल रही है। टफेस्ट चीज़ थी, मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ, इतना टफ था। पहले दो दिन तो मुझे मजाक है, थोड़ा बहुत चेक किया। मैं आपको कैंप में जाके बताती हूँ सब कुछ डिटेल में। मॉर्निंग, इट्स आर डे 4 और आज हम खुलारा से जा रहे हैं वापस धाक विलेज। आई होप मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ। और ये है हमारा कैंप साइट का व्यू, जो कि बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे थोड़ा सा वॉक भी करते हैं तो सांस फूल जाती है। बाकी बहुत अच्छा लगा, बहुत एडवेंचरस ट्रैक था। बाकी मैं अभी अपने ग्रुप के लोगों से पूछूंगी, जो जो लोग कैमरा पे शायद नहीं है, सब उनसे पूछूंगी कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। सबसे पहले शुरू करते हैं वसीम से, ये मेरे साथ ही है। मैं पूछना चाहती हूँ अभी लेके जाती हूँ कैमरा। वैसे तो मुझे पता है उसका एक्सपीरियंस, पूरे रास्ते में सुनते हुए आई हूँ और सुनते हुए गई हूँ, बट फिर भी हंसी खेल का ट्रैक नहीं है पांगरशुला। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि अरे बहुत दिन से कहीं गए नहीं है, कोई ट्रैक कर लेते हैं, पांगरशुला कर लेते हैं, नो, इट्स अ बिग नो। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, स्नो है, 8 बजे तक आपको ट्रैक सबमिट कंप्लीट करना है और बहुत बड़े बड़े बोल्डर्स हैं जिनको क्रॉस करना है, ऑक्सीजन लेवल कम है, इट्स नॉट अ जोक, सीरियसली। 3 महीने कम से कम वर्कआउट करना, जिसमें कार्डियो प्लस वेट लिफ्टिंग होनी चाहिए, आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होनी चाहिए, तभी सोचना ये ट्रैक करने की, वरना अदरवाइज नीचे से ही तकरीबन 60% लोग वापस आ गए थे, सिर्फ 40% लोगों ने सबमिट किया था। हमारे ग्रुप में से भी 10 में से 8 लोगों ने ही सबमिट किया है। यहाँ से जब सुबह 1 बजे निकले थे ना हम लोग, इतने सारे लोग, तकरीबन 70 लोग होंगे, उसमें से मुश्किल 30 लोगों ने शायद किया होगा सबमिट। बाकी अब मैं अपने ग्रुप से पूछती हूँ कि उनका एक्सपीरियंस कैसा था। सो गाइज, ये है वसीम, माय वेरी ओल्ड फ्रेंड फ्रॉम दिल्ली। तो वसीम, कैसा था आपका एक्सपीरियंस कल का? यार जब पहली बार सोचा तो लगा कि मैं डर लूँगा, फिर आगे जाते जाते मतलब हालत ख़राब हो गई,
लगा नहीं कि बांगर चूल्हा में कर पाऊंगा कभी। और हाँ रिया मोटिवेट करती रही कि चल चल चल, मतलब कर लेंगे हम लोग, कर लिया। सो व्हाट्स योर नेम? करण अमीन, आई एम फ्रॉम गुजरात। ओके, तो कल का एक्सपीरियंस कैसा रहा करण? एक्सपीरियंस सही रहा, ऐसे फट गई थी सभी की लेकिन फटी वो इम्पोर्टेंट नहीं है, सबमिट किया वो इम्पोर्टेंट है। तो इससे पहले कितने ट्रैक्स किए तुमने? एक्चुअली ये मेरा चौथा ट्रैक है, मैंने सतोपन किया है, तुंगनाथ किया है और दूसरा कौन सा था, केदारकंडा किया है। आपका नाम? शुभजीत बनर्जी। आप कहाँ से? कोलकाता से। तो आपका पांगरचूला समिट का एक्सपीरियंस कैसा रहा ओवरऑल? पहले दो दिन तो ठीक ठाक था, एकदम आराम से आए। उसके बाद जो तीसरे दिन था, एक तो रात 1 बजे निकले, ये मेरे लिए पहली बार है रात 1 बजे निकला, और वो भी ब्रेकफास्ट करके 12:30 बजे, मुझे पता नहीं कितने लोग 12:30 बजे ब्रेकफास्ट करते। और उसके बाद तो पूरा एकदम बोल्डर से भरा हुआ मतलब रास्ता थे, और उसके बाद बहुत चढ़ाई थी, कंपैरेटिवली डिफिकल्ट था। मैंने थोड़ा डिफिकल्ट ट्रैक भी चूज़ किया, पर ओवरऑल इट वाज वेरी नाइस। मेरा समिट नहीं हो पाया, थोड़ा फास्ट रह गया, बट ओवरऑल एक्सपीरियंस वाज क्वाइट गुड। हाय, व्हाट्स योर नेम? अरुण। फ्रॉम? भोपाल एमपी। कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। 35 किलोमीटर का ट्रैक था, थोड़ा टायरिंग था लेकिन बहुत मजा आया, सभी दोस्त ग्रुप बहुत अच्छा था।